मेरे दोस्तों स्वागत है आप सबका आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे मैं आज आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राइट की तरफ जो आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, और अब मैं आपको लेफ्ट वाला दिखाता हूँ कि पब्लिक टॉयलेट ये है, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है, आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो। अब दोस्तों बात कर दे इधर की तरफ, तो यहाँ पे बस स्टैंड होता है, यहाँ पे आपको लखनऊ बिहार सब बस यहाँ पे मिल जाएगी, लोकल दिल्ली के लिए बस यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं सामने की तरफ, आप देख सकते हो ये है मेन रेलवे स्टेशन जिसका नाम है आनंद विहार टर्मिनल। यहाँ पे आपको बात समझने की है कि आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार दोनों में डिफरेंस है। काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि सर मेट्रो स्टेशन का जो रास्ता होता है वो कहाँ से होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हो यहाँ से एक जीना जाएगा और एक पुल होता है और वो वहाँ पे चला जाता है, वो मेट्रो स्टेशन वहाँ पे देख सकते हो। अब हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आउटर एरिया है, यहाँ पे कैब वगैरह यहाँ पे खड़े रहते हैं और यहाँ पे हम अंदर जाएंगे। ये चेकिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, और चेकिंग पॉइंट आपको अच्छे से चेक करवाना है अपना बैग वैग, और उसके बाद आपको यहाँ से गुजरना है। यहाँ पे हमेशा पुलिस वाले रहते हैं, तो यहाँ पे आपको चेकिंग करनी चाहिए, करवानी चाहिए, और यहाँ पे आप पूछताछ केंद्र होता है लेफ्ट की तरफ। और अब मैं आपको यहाँ पे अंदर लेके जा रहा हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. मेरे दोस्तों बात करते हैं प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म 1 यहाँ पे इससे है, तो ऊपर की तरफ ये जीना जाता है, तो राइट में भी एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म की, तो मैं आपको पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अब मेरे दोस्तों आप ऊपर की तरफ साफ साफ देख सकते हो 2-3 जो प्लेटफॉर्म है वो लेफ्ट और राइट में है, तो यहाँ पे रास्ता होता है इस साइड जाने का, और यहाँ पे जीने का रास्ता होता है यानी कि सीढ़ी का रास्ता होता है, और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा तो इस सुरंग के अंदर से होके आपको गुजरना पड़ेगा। अब आप ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 या 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसको लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ ये रहा और राइट और लेफ्ट की तरफ आपको ये वाला मिल जाएगा। सीढ़ी है यहाँ पे चढ़नी पड़ती है, उसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं। अब मेरे दोस्तों आप सामने सामने देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 आ चुके हैं, जिनका जो रास्ता है यहाँ पे कुछ रिक्शास वगैरह होती है जो आप ऊपर लेके जा सकते हो, कूली वगैरह का होता है, और इस साइड यहाँ पे सीढ़ी होती है। अब मैं इन सीढ़ी के द्वारा मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर मैं निकल जाऊँगा। अब दोस्तों कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ये आता है आनंद विहार टर्मिनल में, यानी कि जो ट्रेन यहाँ से बन के चलती है वो आनंद विहार टर्मिनल कहा जाता है, और जो रेल एक्सप्रेस होती है जो नई दिल्ली से चलती है तो वो वाला आनंद विहार है, वो लेफ्ट की तरफ है। पूरी डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहिए। यही वो रास्ता है जहाँ से मैं होके आया था, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, तो यानी कि ये आता है आनंद विहार टर्मिनल में आता है। यहाँ से आप जो है ना बिहार वगैरह जा सकते हो, काफ़ी ट्रेनें यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं राइट की तरफ, दोस्तों अगर बात करें हम राइट की तरफ, आगे की तरफ आप देख सकते हो ये नई दिल्ली से होके जाता है और ये सीधा गाज़ियाबाद चला जाता है, उसको बोलते हैं हम आनंद विहार, यानी कि यही इसमें डिफरेंस है आनंद विहार टर्मिनल में और आनंद विहार में। आनंद विहार टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ से गाड़ी बन के चलती है, ट्रेन बन के चलती है, स्टार्ट यहीं से होती है। और अगर आनंद विहार की स्टेशन की बात करें तो वो जो गाड़ी आती है या ट्रेन आती है वो आती है गाज़ियाबाद से या फिर न्यू दिल्ली से। तो अभी मैं यहाँ से उतर जाता हूँ और आपको ले कर चलता हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों यहाँ पे काम भी चल रहा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा काम है और बहुत साफ सुथरी तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है प्लेटफॉर्म, और आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन और वो सामने है आनंद विहार टर्मिनल, यही दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड से गाज़ियाबाद है, आगे की तरफ गाज़ियाबाद है, तो वहाँ से जो भी ट्रेन आती है वो गाज़ियाबाद से आती है, और इस साइड जाती है
मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस साइड जाती है ये नई दिल्ली, तो यहाँ पे मैं कुछ आउटर एरिया भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आनंद विहार, तो ये आनंद विहार टर्मिनल नहीं है, ये आनंद विहार है। और मैं अब आपको टर्मिनल की तरफ लेके चलता हूँ, तो आगे का सीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आउटर का एरिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।